Hello friends, in this video we can show that how to create your web page and how you retrieve your data, you insert your data, you update your data in the database and show your saving data on the web page. सबसे पहले हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे. कैसे हम डेटाबेस से वैल्यू शो करेंगे और कैसे हम रिट्रीव करेंगे डेटाबेस से, कैसे उसको हम अपडेट करेंगे, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कैसे हम डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव एंड शो करते हैं. सबसे पहले एक वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे जिस वेब फॉर्म का नाम हमने रजिस्ट्रेशन रखा है. इस रजिस्ट्रेशन की जगह हमने रजिस्ट्रेशन आईडी दिया है, बटन नेम एड्रेस ईमेल आईडी फोन नंबर ये सब सारे हमने ले रखे हैं और यहाँ पर हमने वैलिडेशन कंट्रोल लगा रखा है. वैलिडेशन कंट्रोल दैट मीन्स ये बताएगा कि आप जो है ये वैल्यू कहाँ से इनपुट होती है और क्या क्या एरर इसके अंदर आते हैं. तो अब हम सबसे फर्स्ट इसके अंदर जो कोडिंग है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे. सबसे पहले ये जो हमने यूज़र आईडी क्रिएट करा था, रजिस्ट्रेशन आईडी, इस रजिस्ट्रेशन आईडी के बटन पे क्लिक किए पर जैसे हम रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करेंगे ये वैल्यू डेटाबेस से फैच होकर पूरे कॉलम में फिल हो जाएगा. अब जिस कॉलम को अपडेट करना होगा इस आईडी पे, उस आईडी के थ्रू हम अपडेट करेंगे. सेव इंसर्ट के लिए होगा, अपडेट रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू जो डेटा यहाँ से उठ कर आएगा उसको हम अपडेट करेंगे उस आईडी के थ्रू. डिलीट जो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर है, जैसे हम डिलीट बटन पे क्रिएट करेंगे ये सारे जो रोज है जो इसके अंदर आईडीज है वो डिलीट हो जाएगा. और रीसेट के लिए ये पूरे पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम रीसेट बटन का यूज़ करेंगे. अब इसके अंदर जो बटन है इसके क्लिकिंग पे कैसे करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये शो बटन है जिसमें हम ग्रिड व्यू में सारा डेटा को शो करने के लिए यूज़ करेंगे. अब आप यहाँ पर देखें सेव बटन के क्लिकिंग पे क्या कोडिंग है. जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी कोडिंग आ जाएगी. जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि हम कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी एसक्यूएल और विंडो ऑथेंटिकेशन के थ्रू करते हैं, ये हमने जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करा है एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन के थ्रू करा है. यहाँ पर हमने दो नेम स्पेस यूज़र सिस्टम डॉट डेटा सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये हमने दो नेम स्पेस का यूज़ किया है जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था. अब इसके अंदर हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग वही पार्सल क्लास के नीचे मैंने एक स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है. इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है ये सारे कनेक्टिविटी हमने एसक्यूएल सर्वर कनेक्टिविटी हमने इसके अंदर दे रखा है. अब इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ करेंगे. मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमने एसक्यूएल ऑथेंटिक एसक्यूएल कनेक्शन दे दिया तो एसक्यूएल कनेक्शन हमारा कनेक्शन में हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एस टी आर कॉन. कनेक्शन के लिए हमारा ये एस टी आर कॉन नाम का ऑब्जेक्ट आएगा, ये एस टी आर कॉन. और ये आपका एसक्यूएल कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट बना है. इस कनेक्शन में हम बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा क्लोज होता है, हम इसको ओपन करते हैं. जैसे स्ट्रिंग एसक्यूएल क्वेरी, हम यहाँ पर एक क्वेरी लेते हैं, इस क्वेरी के अंदर इंसर्ट इनटू शो वन पेज, एक टेबल का नाम है शो वन पेज. इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल फील्ड हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर कोड सेक्स और ईमेल आईडी, ये हमने ले रखा है कॉलम नेम है. और वैल्यूज़ में हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ ये डिफॉल्ट जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ है ये सारी वैल्यूज़ को सारे अलग अलग नेम हैं इन सभी वैल्यूज़ को. जैसे ड्रॉप डाउन में डीडीएल जेंडर है, मैंने इसका नाम रखा है. ईमेल आईडी का टीएक्सटी ईमेल आईडी रखा है. जेंडर के लिए आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर हमने दे रखा है डीडीएल जेंडर, ड्रॉप डाउन लिस्ट जेंडर हमने दे रखा है. तो ये सभी का मैंने आईडी का अलग अलग डिफाइन कर रखा है. जैसे इसके अंदर हमने आईडी डिफाइन कर रखी है आपका टीएक्सटी रजिस्ट्रेशन आईडी, जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वो आईडी यहाँ शो होगा. वैसे ये सारे टेक्स्ट बुक की आईडी हमने डिफाइन कर रखा है. अब
फर्स्ट टैक्स बॉक्स वन ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो टैक्स बॉक्स वन की रजिस्ट्रेशन आईडी है। टैक्स डॉट ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, गार्बेज स्पेस को रिमूव करता है डेटाबेस में। सपोज आपने 50 कैरेक्टर ले रखा है, 50 का स्पेस साइज ले रखा है और उसके अंदर मुझे 50 की जगह 10 में ही काम बन रखा है, तो ट्रिम क्या करेगा, वो जो 50 का स्पेस है उसको कंसाइज करके 10 के स्पेस में कर देगा, यानी जो एक्स्ट्रा गार्बेज स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर देगा। फिर हमने इसके अंदर टेक्स्ट नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद हमने इसको मोबाइल नंबर लिया है, फिर टेक्स्ट कोर्स लिया है, जेंडर लिया है, आपका ईमेल आईडी लिया है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात, जब हमारा डेटाबेस में डेटा टाइप अगर न्यूमेरिक होता है, जैसे हमारा टेक्स्ट मोबाइल नंबर न्यूमेरिक है, तो इसको हम सिंगल कोर्स, मैंने पहले ही बताया था, सिंगल कोर्स से ओपन होगा, सॉरी डबल कोट से ओपन होगा, फिर प्लस, फिर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, फिर प्लस से आपका क्लोज और डबल कोट से होगा, यानी ये वैल्यू आपका डेटा टाइप में न्यूमेरिक होगा, तभी हम इस तरह का कोड लिखेंगे। अगर आपने डेटा टाइप में वेयर केयर ले रखा है तो ऐसे कोड लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा, मगर कोड सिंगल कोट्स डबल कोट प्लस, इसमें आपका टेक्स्ट की वैल्यू आएगी, और फिर प्लस जो सीरीज में आपने ओपन करा उसी सीरीज में क्लोज होगा, फिर प्लस, फिर डबल कोट्स, फिर सिंगल कोट्स, ये आपका वेयर केयर के लिए है। तो ये सारी वैल्यू लेने के बाद फिर एसक्यूएल कमांड हम करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले क्वेरी, फिर एसक्यूएल कनेक्शन, फिर यहाँ पर एसक्यूएल कनेक्शन, फिर ओपन कनेक्शन, बाय डिफॉल्ट हमारा क्लोज होता है, हमने उसको ओपन करा है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए एक ही वेरिएबल लेते हैं, वो इंटीजर टाइप होता है, जिसको हमने इंटीजर रिकॉर्ड इंसर्टेड हम नाम का वेरिएबल लिया, हमने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड इंसर्टेड के बाद जैसे हमने रिकॉर्ड इंसर्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एसक्यूएल कमांड और एग्जीक्यूट नॉन करेंगे, डीमेल स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ करेंगे, इंसर्ट डिलीट अपडेट के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड इंसर्टेड, अगर हमारा रिकॉर्ड जीरो से जैसे ही वन होगा तो यहाँ पर लेबल मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली अदरवाइज नॉट। और यहाँ हमने रीसेट, जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है बटन में रीसेट, रीसेट में हमने जो टेक्स्ट बॉक्स जो जो ले रखा है नेम था टेक्स्ट बॉक्स कोर्स डॉट टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया, एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स ब्लैंक, टेक्स्ट डॉट ई मेल आई डी डॉट टेक्स्ट ब्लैंक, डी डी एल जेंडर डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट उसको हमने ब्लैंक कर दिया, लेबल में मैसेज डॉट टेक्स्ट उसको हमने ब्लैंक कर दिया। तो ये सारे बटन के क्लिक इवेंट की कोडिंग है। अब हम सेव का हो गया, अपडेट पे हम क्लिक करते हैं, देखिए अपडेट पे हमने क्या है, वही कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन एस टी आर कौन, और एस टी आर कौन कहाँ, एसक्यूएल कौन है ये, एस टी आर कौन, एस टी आर कौन कहाँ था, ये हमारा एस टी आर कॉन है, इस एस टी आर कॉन ऑब्जेक्ट को हमने इसके अंदर ले रखा है, एस टी आर कॉन ऑब्जेक्ट। वही अब अपडेट की क्वेरी क्या चलेगी, अपडेट शो पेज टेबल का नेम सेट नेम, क्या क्या अपडेट करना है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कोर्स, सेक्स, ईमेल आईडी, वेयर रजिस्ट्रेशन आई डी इज इक्वल टू दिस, जो रजिस्ट्रेशन आई डी है उसी रजिस्ट्रेशन आई डी पे हमारा क्या चेंज होगा, जो हम जितने ए फील्ड हैं ये सारे फील्ड चेंज होंगे जितने हम चेंज करना चाहते हैं। अब सपोज मुझे एक ही चेंज करना है तो हम इसी फील्ड को चेंज करेंगे, या सपोज एड्रेस को चेंज करना है तो एड्रेस को चेंज करें, लेकिन अपडेट चलेगा सब के लिए। और कौन सा प्राइमरी की होगा, आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन आईडी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी आपका प्राइमरी की है। एसक्यूएल कनेक्शंस, एसक्यूएल कनेक्शन में हमारा एसक्यूएल कनेक्शन हो गया, एसक्यूएल कमांड में हम एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे और फिर कनेक्शन देंगे, बाय डिफॉल्ट हमारा कनेक्शन क्लोज होता है, तो हम इसको ओपन करेंगे, रो अफेक्टेड इंटीजर, अपडेट के लिए भी रो अफेक्टेड, और आपका इसके अंदर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ होगा, फिर वही रिकॉर्ड अपडेटेड, और उसी तरह आपका यहाँ पर आ जाएगा डिलीट का, जैसे यहाँ पर बटन है हमारा डिलीट, डिलीट के बटन के क्लिक इवेंट पे कोडिंग करेंगे तो हमारा डिलीट, डिलीट में क्या होगा, डिलीट फ्रॉम
शो टेबल का नेम शो पेज वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी इसको दी, जो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डाला होगा उसी रजिस्ट्रेशन आईडी पे हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। कमांड में एसक्यूएल सबसे पहले एसटीआर क्वेरी फिर कनेक्शन, बाय डिफॉल्ट कनेक्शन हमारा क्लोज होता है, हम इसको ओपन करते हैं, फिर रो अफेक्टेड और रो अफेक्टेड जो वेरिएबल हमने लिया है उस रो अफेक्टेड में पहले कमांड का ऑब्जेक्ट फिर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये आपका डिलीट के लिए मैसेज वही रिकॉर्ड डिलीटेड और रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली या रिकॉर्ड आर नॉट डिलीटेड। अब इसके अंदर आता है शो बटन, शो बटन पर क्लिक इवेंट पर क्या होगा, हमारा जो भी डेटाबेस में वैल्यू होगा उसको शो कर देगा। शो करने के लिए हमारे पास क्वेरी चलता है, सारे कनेक्शंस एस टी आर कौन सब कुछ वही होगा, क्वेरी में चेंज होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल का नेम है उसमें, उसके बाद कमांड में फिर सबसे पहले क्वेरी फिर आपका कनेक्शन जो हमारा एसक्यूएल कनेक्शन है, तो सबसे पहले ये क्वेरी चलेगा फिर कनेक्शन होगा। एसक्यूएल कनेक्शन बाय डिफॉल्ट क्लोज होता है, हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या करेंगे एसक्यूएल डाटा रीडर वैल्यू रीड करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, यह एसक्यूएल डाटा रीडर हमारा ASP.NET प्रोवाइड करता है एसक्यूएल डाटा रीडर। DR में हम क्या करेंगे एसक्यूएल कमांड जो ऑब्जेक्ट बना है एग्जीक्यूट रीडर वैल्यू रीड करेंगे, कमांड बिहेवियर क्या होगा आपका क्लोज कनेक्शन, कमांड बिहेवियर क्या होगा आपका क्लोज कनेक्शन यानी एसक्यूएल कमांड में एग्जीक्यूट रीडर में कमांड बिहेवियर, अगर हमारा कनेक्शन वैल्यू रिट्रीव कर लेता तो बाय डिफॉल्ट ही क्लोज हो जाएगा। ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स क्या करेंगे हम DR वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रिड व्यू वन जो हमारा पहला ग्रिड व्यू है ये ग्रिड व्यू इसका नाम हमने ग्रिड व्यू वन रखा है, इस ग्रिड व्यू में डेटा सोर्स यहाँ पर आ गया आपका DR और ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड, जब डेटा हमारा सोर्स से वैल्यू ग्रिड व्यू में आ जाएगा तो डेटा को हम बाइंड कर देते हैं, ये मेथड है ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड, डेटा सोर्स और डेटा बाइंड दोनों मेथड का यूज़ करते हैं, बाइंड द डेटा सोर्स द सिस्टम डॉट वेब यूआई डॉट वेब कंट्रोल ग्रिड व्यू कंट्रोल दिस मेथड करना इनहेरिटेड इनहेरिट नहीं होता, बाइंड द डेटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये फिर आपका आता है ये रजिस्ट्रेशन आईडी पे हम कहाँ क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, हम डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव करना है हर प्रत्येक टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं वही डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट नेम एड्रेस मोबाइल नंबर सेक्स ईमेल आईडी फ्रॉम टेबल नेम वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी इक्वल टू रजिस्ट्रेशन आईडी, जो रजिस्ट्रेशन आईडी उस रजिस्ट्रेशन आईडी पे वैल्यू क्या करेगा फैच करेगा, वही कमांड एसक्यूएल क्वेरी पहले फिर कनेक्शन फिर एसक्यूएल फॉर्म ओपन हो जाएगा, डेटा रीडर से वैल्यू रीड करेंगे, DR में जो हमारा कमांड का ऑब्जेक्ट है एग्जीक्यूट रीडर वैल्यू रीड करने के लिए रीडर का, सेलेक्ट क्वेरी में हमेशा एग्जीक्यूट रीडर का यूज़ होगा, जब भी सेलेक्ट करी होगी तो उसमें हम एग्जीक्यूट रीडर का यूज़ करेंगे। कमांड बिहेवियर क्लोज कनेक्शन ये अगर आपको ऑप्शनल है लिखना है तो लिखें, अदरवाइज भी अगर कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो गया और वैल्यू आ गई है तो बाय डिफॉल्ट ये क्लोज कर लेता है। इफ़ DR डॉट रीड मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वैल्यू हमारी रीड है तो टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट में DR जो ये वेरिएबल है एसक्यूएल डाटा रीडर DR में हम क्या करेंगे नेम डॉट ट्विस्टिंग उसको कॉल कर लेंगे, टेक्स्ट एड्रेस में एड्रेस को कॉल लेंगे, मोबाइल नंबर में हमने मोबाइल डॉट ट्विस्टिंग को कॉल किया, कोर्स में कोर्स को कॉल कर लेंगे, जो हमारा DDL जेंडर है सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट में सेक्स जो भी जेंडर है वो सेक्स कॉल कर लेंगे, जो भी उसमें सेक्स लिखा होगा वो कॉल हो जाएगा, फिर आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी में वो DR से हमने ईमेल आईडी कॉल कर लिया, ये हमारा क्या करेगा जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे, जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे सारा डेटा यहाँ शो हो जाएगा, 2010 में ये प्रॉपर रन करेगा, 2013 और 15 में थोड़ी प्रॉब्लम करता है, तो ये अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे ये सारे जो वैल्यू हैं वो प्रॉपर तरीक़ा से वर्किंग करेगा, ये आपका कोड है
शुरू से एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपका यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एक्सेल क्लाइंट होगा, फिर ये कनेक्शन होगा, फिर सेव बटन का क्लिक इवेंट, बटन के सेव की कोडिंग, फिर ये आपका रीसेट की कोडिंग, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू डेटा फेच करने की कोडिंग, फिर ये आपका अपडेट की कोडिंग, फिर डिलीट की, फिर आपका शो बटन ग्रिड में वैल्यू शो कराने की, और ये आपका टाइमर कंट्रोल के थ्रू रिट्रीव डेटा करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।